वेलकम टू ऑटोटेक कस्टम्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं फीएट की पुंटो कार जो फुल पेंट होने आई है। गाड़ी में काफ़ी माइनर डेंट्स थे, बम्पर में डैमेज था और लाइट्स में पानी जा चुका था। तो हमने कस्टमर को नए हेडलाइट और नए बम्पर की रिकमेंडेशन दी। मेटल पैनल पे डेंट आने का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेच हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें डेंटर एक टूल यूज़ कर रहा है जिसका नाम है स्लैपर। इस स्लैपर से वो मेटल पैनल को स्लैप करता है उसके एजेस की तरफ, जिससे मेटल पैनल श्रिंक होने लगता है और अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने लगता है। ग्राइंडर का यूज़ करके वो सरफेस को और भी स्मूथ कर रहा है। मेटल पैनल पे अगर कभी डेंट आ चुका है तो सिर्फ डेंटिंग प्रोसेस फॉलो करके उसमें 100% स्मूथनेस नहीं ला सकते हैं। इसलिए अब पुट्टी वर्क का काम शुरू होगा, जिसमें हम लोग सरफेसेस पे पुट्टी अप्लाई करेंगे जिससे अनलेवल्ड सरफेसेस लेवल में आ जाएं। अब पुट्टी फिलिंग का काम शुरू हो चुका है। अब जो एक्सेसिव पुट्टी लगी हुई है मेटल पैनल पे, उसको रिमूव किया जाएगा ग्रिट पेपर्स के द्वारा। यूजली जो ग्रिट पेपर्स यूज़ होते हैं 80, 180, 320, 400 तक भी यूज़ होते हैं। जितना ज़्यादा नंबर का पेपर हम यूज़ करेंगे पुट्टी उतनी ज़्यादा ही स्मूथ फॉर्म होगी। प्राइमर पेंट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है शीट मेटल और पेंट के बीच में। प्राइमर पेंट मेटल पैनल में रस्ट को फॉर्म नहीं होने देता। जो हमारे सैंडिंग और ग्राइंडिंग मार्क्स आए हैं पेपर्स यूज़ करने के द्वारा, उनको ईजिली फिलअप कर देता है प्राइमर पेंट। जो कलर पेंट हम बॉडी पे करने वाले हैं वो भी सो के ना हो, इसलिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर की रबिंग हम 320 और 400 नंबर के पेपर से करते हैं। अगर हमारा कलर सॉलिड है तो 320 और 400 यूज़ करते हैं, और अगर हमारा कलर मेटालिक है तो हम 400 से 600 तक भी यूज़ करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम पुट्टी को वापस क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ये एक्चुअली पुट्टी नहीं है, ये बॉडी फिलर है। प्राइमर एप्लीकेशन के बाद जो भी रफनेस रह गई है उसको बॉडी फिलर स्मूथ कर देता है। सरफेस को लेवल करने के लिए बॉडी फिलर को 400 नंबर के पेपर से रब किया जाता है। मास्किंग प्रोसेस से हम उन जगहों को बचा सकते हैं जिस जगह हमें पेंट नहीं करना है। ये बेस कोट की एप्लीकेशन है। अब बेस कोट को 600 नंबर के पेपर से रब किया जाएगा जिससे सरफेस और स्मूथ हो जाए। अब ये कलर कोड का प्रोसेस पेंट बूथ में चालू हो चुका है। हम लोग हर सरफेस पे 2.5 कोट करेंगे। कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग हमने गाड़ी का कलर पोलो रेड कलर चूज किया। ये हमारी पेंट गन डेविल ब्लिस ब्रांड कंपनी की है। इसकी प्राइस लगभग 20,000 रुपये है। डेविल ब्लिस की पेंट गन की खासियत ये है कि वो मिक्सचर को काफ़ी फाइन बनाती है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं। पेंट बूथ में पेंट करने से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी एक्सेसिव डस्ट पार्टिकल्स पेंट सरफेस पे आके सेटल नहीं होते हैं। पेंट बूथ में लगे जर्मन फिल्टर्स सारे अनवांटेड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और फ्रेश एयर ही पेंट बूथ के अंदर एंटर करती है। पेंट बूथ के ब्लोअर्स वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिससे कि कोई ओवर स्प्रे की प्रॉब्लम नहीं आती है बॉडी सरफेस पे। क्लियर कोट सबसे लास्ट कोट होता है, इससे बॉडी सरफेस को डीपर और शाइनियर लुक मिलता है। क्लियर कोट बॉडी की पेंट को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेज से बचाता है। क्लियर कोट बहुत हार्ड होता है, कलरलेस होता है और ऑक्सीडेशन और फेडिंग से हमारे कलर को बचाते हैं। I know that I need time now, you are gonna call.
हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको बॉडी शॉप के काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। अगर आप क्वालिटी वर्क कराना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर सारी डिटेल्स दी जा रही हैं।